हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का भी विषय जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे है, क्योंकि आप लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे क्या लक्षण होते हैं। बट मैं आपको फालतू नहीं फंसाऊंगी, सिर्फ एक लक्षण बताऊँगी। अगर वो आपको है तो 100% आपको बेबी बॉय होगा। और ऐसा नहीं है, आजकल लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ को पहले ही लड़की होती हैं, तो फिर उनको चाह रहती है एक लड़का हो जाए तो उनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो वीडियो इनको सिर्फ इसलिए जानना है जिनके पास ऑलरेडी बेबी गर्ल्स हैं और जो बेबी बॉय की इच्छा रखती हैं। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पर ऐसा कुछ बहुत टिपिकल होता है जहाँ पर बोला जाता है कि हाँ एक लड़का हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा। सो उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको ये लक्षण कब, कैसे और किस वक्त पे दिखेगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको भी ये लक्षण है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि पता चले कि कितने परसेंट मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये लक्षण हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि ये लक्षण कौन सा होगा, किस मंथ में आपको ये दिखना शुरू होगा और इसका आकार प्रॉपर मतलब किस तरह से होगा। देखिए, आपको ये जो लक्षण है वो पाँचवें या छठे महीने के स्टार्ट मतलब उस टाइम पे आना शुरू हो जाएगा, और ये नौवें महीने तक मतलब आठवें या नौवें महीने तक बिल्कुल गहरा होता चला जाएगा। ये लक्षण क्या है इसे जान लेते हैं। लक्षण रहेगा कि आपके पेट के ऊपर एक काले रंग की लाइन जो है वो उभरनी स्टार्ट हो जाती है, जो पहले तो थोड़ी हल्की होती है लेकिन धीरे 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 ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होनी चली जाती होती चली जाती है। और ये जो आपकी नाभि होती है ना, उससे थोड़ा सा घुमाव दे देती है। तो ये अगर आपको होगी तो आपको 100% बेबी बॉय ही होगा ये, क्योंकि मेरा अजमाया हुआ है। हम 5 जन प्रेग्नेंट थी, जिसमें से 4 जन को हमें सेम तरह की लाइन थी, बिल्कुल सेम तरह की, जैसे जहाँ से जिसकी घूम रखी थी सबकी बिल्कुल सेम थी। तो इसलिए मुझे पता है। अब मुझे नहीं पता है कि आप में से काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हमारे साथ हुआ है 4 लोगों के साथ, और एक को नहीं थी तो उसको बेबी गर्ल हुई थी और उसको बहुत हल्की सी थी हल्की फुल्की आती है, लेकिन वो बहुत लाइट थी तो उसमें बेबी गर्ल हुई। लेकिन हम 4 जनों को बहुत डार्क लाइन थी, बिल्कुल डार्क, तो इस वजह से हम लोगों को हुई थी, हुआ था लड़का। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ लक्षण है, और ये 100% ज़्यादा नहीं तो 90% तो आप इसको कंफर्म लेके चलो कि बेबी बॉय ही होता है। अगर ऐसा है तो आप भी देखना, 5वें या 6ठे महीने के अंदर ये लाइन जो है वो उभरनी स्टार्ट हो जाती है, एंड 8वें और 9वें महीने के एंड तक ये बिल्कुल गहरी हो जाती है, बिल्कुल काले रंग की हो जाती है, डार्क हो जाती है बिल्कुल। और इसी से ये आपको पता चल जाएगा कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। मैंने सिर्फ आपको एक ही लक्षण बताया ताकि आप ज्यादा लक्षणों में कंफ्यूज ना हो। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहा है, अगर आपके पेट पर भी ये लक्षण है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को ये लक्षण हो रहा है और कितने ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और यही लक्षण था उनको, ताकि ये पॉइंट और भी ज्यादा प्रूफ हो जाए कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें काफी हद तक सच्चाई है। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो प्लीज ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।